ये जो डिस्पोजल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये आप डिपेंड करेगा कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट बनना है या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बनना। फुल कंसंट्रेट करना और सोचने वाले काम शुरू होने लगा। तो पहले एक हेडिंग लिखा था, इफ देयर इज, मतलब इस मेन हेडिंग में एक पहले सब हेडिंग लिखा, इफ देयर इज नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इफ देयर इज नो सेपरेट, सॉरी, लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो फिगर्स हमने कल यूज की थी उसी की बेस पे मैं डिस्कशन करूंगा। अपने सामने रख परसेंट का डाटा रख लूंगा। अब अगर नो सेपरेट लेजर फॉर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो जिस वक्त एसेट बेचा जा रहा है उस वक्त फिर एसेट हमारी बुक्स में कितने पे आ रहा होगा, देखिए जरा डाटा उसी एग्जाम्पल के बेस पे। अगर नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो यकीनन एसेट खरीदा था तो 750,000 पर डेबिट किया होगा, लेकिन डिस्पोजल वाले दिन तक आते आते 6 लाख रुपीज उसमें से नेट ऑफ हो गया होगा लेजर के अंदर ही। किस लेजर के अंदर ही? मशीन के लेजर के अंदर ही। देयरफॉर इस वक्त मशीनरी के लेजर में कितना बैलेंस रह गया होगा? लेजर के अंदर ही 1,50,000 आ रहा हो और उसे 2,30,000 पे बेचा। अगर सेपरेट लेजर्स बने होते तो 7,50,000 अलहदा लेजर में होता, 6 लाख अलहदा लेजर में होता, लेकिन इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है कि अगर नो सेपरेट लेजर है तो मींस एसेट ऑलरेडी WDV पे ही आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर बेटा ये सिचुएशन हो तो शायद जरा अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल सी हो जाएगी। कैश अब आ रहा तो कैश ने डेबिट होना, एसेट जा रहा है तो एसेट ने अपनी WDV से क्रेडिट हो जाना, जितनी हमारे बुक्स में फिगर आ रही होगी। अब वो एसेट हमारे से अगर चला गया तो हमारी बुक से क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, तो इसमें अब जो डिफरेंस आ जाएगा वो फिर गेन लॉस की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं एक एंट्री लिखने लगा हूँ, उसे गौर से देखें क्या कर रहा हूँ। कैश अगर आ रहा है तो क्या करेंगे? कैश डेबिट हो जाएगा। कितना आ रहा है? 2,30,000। ठीक है ना, कैश एज एन एसेट डेबिट होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मशीनरी जा रही है, मशीनरी कितने से क्रेडिट हो गई? 1,50,000 पे हमारे बुक्स में है उतने से क्रेडिट हो गई, इट मीन्स WDV से क्रेडिट हो गई। अब ये एंट्री बैलेंस क्यों नहीं हुई? अगर एग्जैक्टली 1,50,000 ही मिला होता तो एंट्री बैलेंस होने का मीनिंग क्या है? ना एक्स्ट्रा आया है, ना कम आया है, ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अगर एंट्री बैलेंस नहीं है तो अब आप ये बताएं कि डेबिट अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट अमाउंट? अब इस एंट्री को अगर मैंने बैलेंस करना है तो डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में रह जाएगा। और से देखें ऐसे ही ना यार। अब ये 80,000 क्या है? असल गेन है, तो गेन की अगर फिगर है तो गेन्स क्रेडिट हो जाते हैं, इनकम्स क्रेडिट होती नहीं। बहुत मैं बताता हूँ, इनकम्स क्रेडिट हो जाएंगी और अगर कोई लॉस होगा तो वो फिर डेबिट हो जाना था। तो अगर इस एंट्री में कैश और WDV लिख के डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज गेन ऑन डिस्पोजल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रहा में बनाया। कहाँ से शुरू होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यहाँ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद एक अदर इनकम है तो ये गेन अदर इनकम में आ जाएगा। लेकिन क्या हमेशा गेन ही होगा? एक सेकंड दोबारा गौर से देखें। फर्स्ट करें ये एसेट हमने 1 लाख का बेचा होता, 1,50,000 वाला एसेट 1 लाख में बैक मार्केट में बिका है, तो अब ये एंट्री बैलेंस है। अब किधर डिफरेंस है? अब डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस है। 50,000 जो इधर आएगा अब ये क्या खिलाएगा? तो अगर एंट्री लिखने के बाद, कैश और एसेट लिखने के बाद डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा, और डिफरेंस अगर डेबिट अमाउंट्स में रह जाए तो लॉस ऑन डिस्पोजल है। गेन है तो अदर इनकम में जाएगा प्रॉफिट लॉस में, और अगर लॉस होगा तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है ना इनमें, तो अदर इनकम किधर होती है? नहीं, किधर होती? किधर? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद होती है।
और अगर लॉस होगा तो फिर एक्सपेंसेस में से लिखेंगे। तो इस एंट्री में अगर गेन आए या लॉस आए उसने फिर अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाना। बारे में वापस आता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल कितने का एसेट बेचा, 230 का, मशीनरी थी WDV 150 की, तो डिफरेंस 80,000 इज गेन ऑन डिस्पोजल। और एक सेकेंड, गेन ऑन डिस्पोजल ने फाइनली एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो साथ ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अब्रिवेशन, PL स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बात समझ आ गई, प्लीज लिखे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए मेरी बात से? एनी कंफ्यूजन सर, एसेट डिस्पोज हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश आ रहा है, डेबिट हो रहा है, एसेट जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर डिफरेंस है अमाउंट्स में तो बैलेंसिंग फिगर कैन आइदर बी गेन और लॉस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कैश इज मोर देन WDV और कैश इज लेस देन WDV। व्हाट इज द सिचुएशन है? कैश इज मोर देन WDV। ओके जी सर, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिख लाइन लिखा। अब इसी डिस्कशन में समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, क्लाइंट लिखना समटाइम्स, अब ये तरतीब से लिखा होना चाहिए, आपने रिवाइज करना और शायद काफी जरूरत पड़नी इन चीजों की। समटाइम्स एग्जामिनर रिक्वायर्स टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल बाय प्रिपेयरिंग अ लेजर कॉल्ड एज डिस्पोजल अकाउंट जी बेटा, मॉज अकाउंटिंग बेटा चेंज नहीं करनी है। गेन अगर है तो कभी भी डेबिट नहीं होगा, गेन्स इनकम की कैटेगरी में है तो इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, और अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में है और हमेशा डेबिट होगा। गेन अकाउंटिंग में कभी स्टूडेंट्स आवाज ठीक है सर? ये आवाज ठीक है? देख देख लो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, ये अभी बात हो रही है, कंसंट्रेट प्लीज फुल। यकीनन ऊपर जो हमने एंट्री लिखी है अभी, गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए एंट्री की जा सकती है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर ही आपसे कहता है कि ये जो गेन लॉस एंट्री के अंदर कैलकुलेट हुआ, इस गेन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए
लेजर बना के दिखाएं। अब इट डिपेंड्स अपॉन कि एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर करता है। हम इस वक्त कंप्रिहेंसिवली बात कर लेंगे, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक देखा करेंगे कि लेजर्स की फॉर्म में गेन लॉस कैलकुलेट करना है या एंट्री फॉर्म में गेन लॉस कैलकुलेट करना है। तो बात इसी गेन की हो रही है, इसी लॉस की हो रही है। एक तरीका ये है कि कंपाउंड एंट्री लिखें, जो आपने अभी लिखी है, कैश डेबिट करें, एसेट क्रेडिट करें और गेन या लॉस निकाल लें। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि लेजर फॉर्म में गेन लॉस कैलकुलेट करें, तो फिर वो कौन सा लेजर है जिसमें ये गेन लॉस आ जाएगा? तो सर ये डिस्पोजल अकाउंट है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कंसंट्रेट आपने करना है। सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि गेन या लॉस की अगर कैलकुलेशन करनी है तो दो चीजों ने आपस में कंपेयर होना, सेल प्रोसीड्स ने और WDV ने। उसे एंट्री फॉर्म में कंपेयर करेंगे तब भी गेन लॉस आ सकता है, और इन्हीं दो फिगर्स को अगर लेजर में आपस में कंपेयर कर लिया जाए तभी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि लेजर में भी गेन या लॉस एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी एंट्रीज करनी है? वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, उसके मैं डिस्कस करूंगा। हम रिक्वायरमेंट्स देखा करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट्स में लेजर्स बनाने हैं तो हम फिर अकॉर्डिंगली लेजर्स वाली एंट्रीज किया करेंगे, और अगर लेजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम वो एंट्री भी कर सकते हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। ठीक है, तो इस वक्त काइंडली आप इस तरह परेशान ना होइएगा कि हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यही गेन लॉस आप डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेजर फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है, अब बोर्ड पे गौर से जरा देखें। देखिए बेटा, कैश ने तो डेबिट ही होना है अगर आ रहा है तो। ठहरे ठहरे, अब जरा पहले बात पूरी कर लूंगा, मैं सही कह रहा हूँ? अगर कैश आ रहा है, एक एसेट है, तो इसने तो डेबिट ही होना है, और अगर 230,000 आ रहा है तो 230,000 सही होना। इसी तरह जो मशीन है, अगर वो जा रही है तो वो भी एसेट है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उसने तो क्रेडिट ही होना है। ये जो मैं इस वक्त डिस्कशन कर रहा हूँ, इसकी मेन ऊपर हेडिंग वही है जो ए पॉइंट है। ए में क्या डिस्कस हो रहा है इस वक्त कि जो एसेट अकाउंट है वो WDV पे, तो मतलब कॉमन इस वक्त क्या है कि एसेट अकाउंट WDV पे ही है। एक एंट्री फॉर्म में भी गेन लॉस हो सकता है, उसी सिचुएशन में मैं लेजर फॉर्म में गेन लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह लेदर डिस्कस करेंगे कि अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है, लेदर बना हुआ, फिर यही एंट्रीज में थोड़ा सा क्या चेंज आ जाएगा। तो इस अगर सारा फोकस इसी पर रखते हैं कि एसेट अकाउंट इज एट WDV बिकॉज देर इज नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं कोशिश करूंगा जरा थोड़ी सी नई चीजें बार बार रिपीट करूँ, आपने भी कोशिश करनी है कि बार बार सुन के आपके जहन में ये चीजें सेट हो जाए और टिप्स पे ये बातें आ जाए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग एसेट अकाउंट इज एट WDV? What is the entry of depreciation if asset account is at WDV? Depreciation debit or asset credit? ये तो फिर disposal शुरू होगा। अगर no separate of a ledger of accumulated depreciation है, तो हर साल depreciation की entry हो रही होगी। Depreciation debit asset credit और asset credit होते 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 disposal वाले दिन already अपनी उसी WDV पे होगा जिस पे उसे होना चाहिए था, means accumulated depreciation less होगी। ठीक है, ये जस्ट मैंने रिवाइज सॉर्ट ऑफ करवा दिया कल वाली बात। अब उसी सिचुएशन को हम आगे बढ़ा के ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एसेट जो ऑलरेडी WDV पे आपके बुक्स में आ रहा था, उसे आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उसके अगेंस्ट कैश मिल गए, एंड वी आर सपोज रिक्वायर्ड कि हम इस गेन लॉस की कैलकुलेशन के लिए अब एग्जामिनर को डिस्पोजल अकाउंट बना के गेन लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं। सब साथ है मेरा प्लीज? तो बात में ये कह रहा था कैश डेबिट, कैश आ रहा और मशीन क्रेडिट 50,000 means WDV, ठीक है? कोई नई चीज अभी तक सिर्फ होना बेटा ये है कि अगर आपने डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना है, तो अब ये जो दो हेड्स मैंने लिखे हैं इनको इकट्ठा कंपेयर नहीं करना इस एंट्री में। इस एंट्री में कंपेयर कर लेंगे तो गेन लॉस अभी भी आ रहा आपके सामने। अगर डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना हो तो फिर इन दोनों हेड्स को, इन दोनों अमाउंट्स को, कैश की अमाउंट को और एसेट की अमाउंट को, अब हमें ट्रांसफर करना है डिस्पोजल अकाउंट के लेजर। लेजर किसका बनाना? डिस्पोजल अकाउंट। इस डिस्पोजल अकाउंट में एग्जामिनर को क्या निकाल के दिखाना? वही गेन और लॉस। गेन लॉस तभी आ सकता है अगर इस लेजर में सेल प्रोसीड्स मींस कैश भी आ जाए और इस लेजर में एसेट मींस मशीनरी की WDV भी आ जाए। वो दोनों फिगर्स जब आपस में कंपेयर होंगी तो उनका नेट इफेक्ट हमारे पास गेन या लॉस आ जाएगा। तो अगर आपने डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना हो तो फिर कैश वाली एंट्री और मशीन वाली एंट्री दो अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड हो जाएगी। पहली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, अब इस कैश को डिस्पोजल अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो फिर ये डबल एंट्री इस तरह हो जाएगी, कैश डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट।
वाई डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ताकि ये कैश डिस्पोजल अकाउंट में सॉर्ट ऑफ एक इनकम के तौर पर ट्रांसफर हो जाए। एक वर्ड होता है इनकम, एक है गेन या लॉस, इसमें क्या डिफरेंस होगा? एक होता है सेल, एक होती है प्रॉफिट। सेल और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? सेल है टोटल इनकम, प्रॉफिट किसे कहते हैं? इसमें से एक्सपेंसेस लेस हो जाए, नहीं मतलब प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, चले इनिशियली ग्रॉस प्रॉफिट कह लें, फिर प्रॉफिट कह लें। प्रॉफिट आप उस अमाउंट को कहते हैं जिसमें से जो कैलकुलेट होता है इनकम में से एक्सपेंसेस लेस हो गए। और अगर सिर्फ इनकम की बात हो रही हो तो सेल इनकम है या प्रॉफिट है? सेल 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 इनकम है, फिर एक्सपेंसेस लेस होते 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 एंड में प्रॉफिट आता है। तो जब एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी तरह जो गेन है वो नेट इफेक्ट है दो चीजों का, कैश 230,000 एंड 1,50,000 मशीनरी की WDV का नेट इफेक्ट ये गेन है। ठीक है, तो ये गेन इज सॉर्ट ऑफ इनकम या सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट? ये नेट प्रॉफिट है। क्या हमें इस एसेट के अगेंस्ट 230 मिला है या 80 मिला? 230 मिल के नेट 80 बचा, सही वर्ड मेरा? कितने टोटल पैसे मिले? 230,000, लेकिन बचा कितना है? वो 80 क्यों बचा? क्योंकि हमारा भी तो एसेट 150 का था, तो नेट इफेक्ट इज गेन। लेकिन व्हाट इज द टोटल इनकम? 230, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मशीनरी हमने बेच दी उसका हमने जब बेनिफिट ले लिया तो वो जब आपस में कंपेयर हुई तो नेट अमाउंट हमारे पास 80,000 आएगी। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? अगर हमने अलग अलग एंट्रीज करनी है, कैश ने डेबिट मीन्स मतलब हमने कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं करनी, कैश एक एसेट है, डेबिट हुआ, उसको बस ट्रांसफर करने के लिए कौन सा हेड बीच में आ गया? डिस्पोजल अकाउंट। व्हाट इज द ओनली पर्पज ऑफ राइटिंग डिस्पोजल अकाउंट हेयर? नहीं, मतलब हेयर मीन्स ताकि ये कैश डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, इट इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफर एंट्री। बाकी मैं अभी इसकी पोस्टिंग दिखाता हूँ। सिमिलरली जरा दूसरी एंट्री देखें, दूसरा हेड मशीनरी डेबिट हो रही क्रेडिट हो रही। अब इसके डेबिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट अगर आ जाए तो अभी आप देखेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट में मशीनरी का इफेक्ट भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री कैंडी, जरा बोलना देखते दो। ये फर्स्ट एंट्री किस अमाउंट से होती है? नहीं, 230 मींस सेल प्रोसीड्स की अमाउंट से होती है, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एट सेल प्रोसीड्स। दूसरी एंट्री देख के बोलना, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री किस अमाउंट से होती है एट WDV ऑफ एसेट? तो दो मेन हेड्स हैं, कैश और मशीनरी, इनको हम इस तरह से अगर लिख के ट्रांसफर कर लेंगे तो अभी मैं आपके सामने पोस्टिंग कर दूं, जरा बात पूरी समझ लें आप, कोई ऐसा मसला नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी बल्कि पहले उसे रिजॉल्व करेंगे फिर आप आराम से लिखिएगा। दो मेन हेड्स इन्वॉल्व होंगे, कैश है और एसेट है। कैश को भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी को भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप पहले ये दो एंट्रीज देखें जो मैंने लिखी है, अब इसमें आपको एज इट इज गेन लॉस कैलकुलेट हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपने एंट्री फॉर्म में गेन लॉस कैलकुलेट करना है तो ऊपर वाली एंट्री जरा देखें जो आपके सामने भी आएगी, तो डिस्पोजल अकाउंट वर्ड नहीं लगाना, ये नजर आ रहा है इसमें। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट का वर्ड लग गया तो अब गेन लॉस आपको कहाँ इंशाल्लाह नजर आएगा? अब डिस्पोजल अकाउंट के अंदर नजर आएगा। चलें वो सस्पेंस मेरा खलब खत्म कर ही देते हैं। पहली एंट्री देखें जरा, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, मेरे जरा पोस्टिंग करवाएं जरा। अगर मैंने ये पहली फिगर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करनी हो तो डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ लिखूंगा, रेफरेंस क्या लिखूंगा? ठीक है, तो कोई पोस्टिंग एरर नहीं प्लीज। दूसरी एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीनरी क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट किधर लिखूं, रेफरेंस क्या लिखूं? क्या वो दो चीजें जो पूरी होनी चाहिए थी इस लेजर में ताकि गेन लॉस आ जाए वो आ गई हैं? अदर डिस्पोजल अकाउंट पे सिर्फ गौर करें, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, मुझे ये लेजर बैलेंस करवाएं, बस ये दो फिगर्स आ गई। अब इनकी बेस पे पता चलना चाहिए कि गेन बनता है लॉस बनता है। कौन सी साइड पे पहले टोटल लिखूं? लेफ्ट साइड तो पता नहीं है, क्रेडिट साइड, डॉक्टर्स नहीं अकाउंटेंट्स है, 230 है, ठीक है ना, हायर साइड पे लिखना है। ऑपोजिट साइड पे भी टोटल 230 ही होगा, लेकिन क्या ये लेजर एज इट इज बैलेंस है? अब डिफरेंस बताया कितना आ रहा है, किधर लिखूं? डेबिट साइड पे लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये सोच के बताएं ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है, लेजर बैलेंस करने के लिए इसे डेबिट साइड पे लिखा है। तो इज दिस क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन या लॉस? ये तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट है,
कैश ज्यादा होने की वजह से क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो दिस 80,000 रिफ्लेक्स क्रेडिट बैलेंस, दिस 80,000 क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्स गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है। तो जस्ट लाइक एनी अदर लेजर आप इसे बैलेंस करेंगे, अगर ये फिगर्स लिख के क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो गेन होगा, और डेबिट बैलेंस अगर आ जाए तो फिर लॉस हो जाएगा। एक सेकंड, लॉस भी देखने हो सकता है। लेट्स अज्यूम चलिए 150 एज इट इज रखते हैं, कैश अगर आया होता 1 लाख, अब बताएं लेजर कैसे बैलेंस करो, 150,000 हो जाएगा, तो 150,000 होना चाहिए। अब कौन सा बैलेंस आ रहा है, किस तरफ लिखा जाएगा, तो लेजर बैलेंस करते हुए बैलेंसेस फिर ऑपोजिट साइड पर अपनी नेचर के मुताबिक आ जाते हैं। तो गेन लॉस कैन बी कैलकुलेटेड इन द लेजर फॉर्म आइदर बाय बाय बैलेंसिंग द लेजर, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो गेन होगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस होगा। वापस मैं ओरिजिनल फिगर्स पे आ जाऊं, जरा कैश टू 30 है, ठीक है सर। बाकी डेफिनेटली एक सीडी बैलेंस है, लेकिन ये किस चीज का बैलेंस है, ये गेन का क्रेडिट बैलेंस है, और फाइनली इस गेन के बैलेंस ने कहाँ जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में जाना। इससे पहले कि आप लोग लिखें, मेरा ख्याल है कि पहले जरा अगर कंफ्यूज है ना तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सिर्फ नई बात क्या की है, लेट मी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर अलग करता हूँ। देखिये दो मेन हेड्स इन्वॉल्व है, एक कैश है और एक मशीनरी है। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे कहेगा कि कोई डिस्पोजल अकाउंट का लेजर हमने बनाना, तो देन हम इस एंट्री को कैश और मशीनरी वाली एंट्री को इकट्ठा करने के बजाय दो स्टेप्स में अलग अलग कैश को भी और मशीनरी को रिकॉर्ड कर देंगे। पहली एंट्री देख के बोलने कांडी, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मीन्स इसको याद करने का तरीका बस यही होगा कि आपने मेन हेड जेन में रखना, कैश डेबिट है, एंट्री पूरी करने के लिए डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है। सेकेंड एंट्री कैसे बोलना, मशीनरी क्रेडिट है, मशीनरी क्रेडिट है, एंट्री बैलेंस करने के लिए डिस्पोजल अकाउंट है। जब ये दो एंट्रीज हो गई तो हमें इन्हीं दो एंट्रीज की जरूरत है, इसकी फिर हम डिस्पोजल अकाउंट का लेजर में पोस्टिंग कर लेंगे और फिर डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बैलेंस भी कर लेंगे। बाकी ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, मींस कैश की तरह दोबारा है, क्या कैश का कोई लेजर होगा, क्या कोई कैश का भी लेजर होगा, कैश के लेजर में यकीनन कैश डेबिट साइड पर जाएगा, उसके अगेंस्ट डिस्पोजल का रेफरेंस आएगा, मशीनरी का लेजर होगा उसमें फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी, डिस्पोजल का रेफरेंस होगा, मींस उसे कोई अगर मैं लेजर नहीं भी बना रहा तो अंडरस्टूड बात है उसका लेजर वैसे ही बनेगा जैसे बनना चाहिए। तो मैं सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो शायद हमारे लिए जरा नहीं है, ताकि उनको हम फिलहाल सामने रख सकें। अब सब क्लियर है प्लीज करें जी। नो जी, डिस्पोजल अकाउंट की बेटा नेचर इनकम टाइप हो जाएगी अगर गेन है, और लॉस टाइप हो जाएगी अगर सॉरी लॉस है तो फिर वो एक्सपेंस टाइप हो जाएगी। तो ये ड्यूल सॉर्ट ऑफ नेचर अकाउंट है, इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं। मतलब ये कोई एसेट अकाउंट नहीं है, लायबिलिटी अकाउंट नहीं है, कोई इक्विटी अकाउंट नहीं है, इसमें गेन लॉस कैलकुलेट होना है। तो आप इस तरह से कहें, अगर गेन है तो इनकम नेचर का, और अगर लॉस आ जाएगा तो एक्सपेंस नेचर का। ठीक जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है प्लीज। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी का रेफरेंस ऑपोजिट आ रहा है, जी जी WDP है, ऊपर वाला डाटा यूज हो रहा है यार, 7.5 लाख माइनस 6 लाख है। सर हाउ 80,000 इज अ क्रेडिट बैलेंस, सर इट इज क्रेडिट बैलेंस बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इट इज क्रेडिट बैलेंस बिकॉज क्रेडिट साइड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। ठीक है दांतो, जी वो मैंने बाकी में लिखा नहीं, ऑब्वियसली मशीन अकाउंट है, कैश अकाउंट है, सारे अकाउंट ही है, इससे ऊपर कहाँ, जहां जहां लिखा हुआ मैंने अकाउंट नहीं भी लिखा तो अकाउंट नहीं है, लेजर है, डिस्पोजल अकाउंट मतलब नजरा चीज सी इसलिए मैंने लिखी नहीं, डिस्पोजल अकाउंट लेजर है, उसके अंदर फिर गेन या लॉस आ रहा है।
ये फर्स्ट एंट्री लिखी मैंने, तो थोड़ा सा ऊपर करना। जी सर उल्टा ही आया सर, ये किसका लेजर है? डिस्पोजल का है? सर जी मुझे इंटरक्रम ना फंसा दीजिएगा सर। सर मेरा ख्याल है कि DIS डिस्पोजल का लेजर है। इतना भी खौफ होने की जरूरत नहीं सर, इंशाल्लाह कोई बम नहीं निकलना इसमें से। सर जी हिम्मत करें, क्या हो गया? पहले तो यही सवाल मेरे लिए मुश्किल हुआ था, क्या ये क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ही है ना कि डेबिट साइड पे आई है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? प्लीज जी नोट कर लिए, एक नजर रिवाइज करने की जो बात हुई है। गेन लॉस कैलकुलेट करने के दो तरीके शायद आपको मैंने बताए, कैसे और कैसे? एक तो सिंपल है कि जो हेड्स इन्वॉल्व है उन्हें कंपेयर करके बैलेंस कर लें, एंट्री को ही बैलेंस कर लें, ठीक है? डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस। और एक दूसरा वे क्या है कि उन मेन हेड्स को पहले डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और फिर डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस कर दें, ठीक है? हमें कैसे करना होगा वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ए पार्ट जो था। क्या लिखा हुआ था ए में? तो हमारे अंदर दूसरी तरफ, इफ देयर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ If there is a separate ledger of accumulated depreciation, डिस्पोजल ही इस वक्त डिस्कस हो रही है, लेकिन अब की सिचुएशन में कि जो एसेट हमने बेचा है वो एसेट हमारी बुक्स में डिस्पोजल से पहले कॉस्ट पे आ रहा था और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ, ठीक है? इस तरह मैं करता हूँ कि मतलब कोई नया डाटा यूज कर लेता हूँ, काफी पीछे हो गया होगा। चले इसमें भी पहले सब हेडिंग लिखेंगे, इस बी में बना, इसमें पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इफ डिस्पोजल अकाउंट इज रिक्वायर्ड। इसमें भी दोनों तरह से गेन लॉस आ सकता है, लेकिन मैं पहले जरा डिस्कस करता हूँ इस बी सिचुएशन में, इफ डिस्पोजल अकाउंट इज रिक्वायर्ड। अगर एक क्वेश्चन में पता चल गया कि डिस्पोजल अकाउंट इज रिक्वायर्ड तो देन पहले वो सिचुएशन डिस्कस कर लें। इसके एक नई एग्जांपल जरा बनाए, लेफ्ट राइट साइड पर अपने पेज के दो लेजर्स खोला, मशीनरी का एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये सबको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है प्लीज, सब साथ है? पहले जरा कुछ बेसिक डेटा सीक्वेंस से शुरू कर लें। जरा लेट्स सी, मैं एक मशीनरी अपने परचेज की है, 8 लाख रुपीज की एंट्री बना, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, देखिए जी पहले एंट्री और डेट है सपोज 1 जनवरी 2021। देखिए मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट,
एक साल सपोज गुजर गया, 2021 का एंड आ गया, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलने सिचुएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, जो मेथड से कल परसों डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगर सेपरेट लेजर बना रहे हैं क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, तो देन उस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट एंड क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के। और लेट्स अज्यूम वो फिर इंशाल्लाह अभी पसंद करते हैं जिसमें वर्किंग्स भी दोबारा करेंगे। लेट्स अज्यूम डेप्रिसिएशन इज 1 लाख रुपीज, पहले साल की 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, तो एंट्री जरा बोल के कंडी पोस्ट कर लेगा, तो साथ साथ चलते रहें, फिर जहाँ रुकना मैं बताता हूँ। इन्वॉल्व रहे सर, एंट्रीज बोला करें, टिप्स पे होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन डेबिट, फर्स्ट ईयर क्लोज कर दें, टोटल करें, सीडी से कर लें। जी सर, ये फाइनल कर देना, 8 लाख कौन सा बैलेंस है और 1 लाख कौन सा बैलेंस है? नहीं बेटा, 8 लाख डेबिट बैलेंस है और 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है, यकीनन ये कॉस्ट का बैलेंस है, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस ही कम से कम फाइनल कर देना। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 8 लाख और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, डेफिनेटली अगर इन दोनों को नेट ऑफ कर लें तो व्हाट इज द WDV? 7 लाख, लेकिन वो नेट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि लेजर चलाता हो। एक साल और एक्सटेंड कर लेना, एक साल की डेप्रिसिएशन और अज्यूम करना, फिर कितने सेम ही रख लें, डेप्रिसिएशन डेबिट, लेट्स अज्यूम स्ट्रेट लाइन मेथड था, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना। ओके सर, कोई कंफ्यूजन? 2 लाख अब क्लोजिंग बैलेंस हो गया एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, बस यहीं तक, बस नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन उठा लें, बाकी फिर मैं एक डिस्पोजल बीच में ऐड करता हूँ। नेक्स्ट ईयर के बस ब्रॉड डाउन उठा लें, 8 लाख एंड 2 लाख थर्ड ईयर, और इसकी डेट बन जाएगी स्टार्टिंग 1 जनवरी 2023। तब लेट्स अज्यूम इन दिस डेटा के मशीनरी आपने खरीदी 8 लाख की, 2 साल उसे यूज किया, 1 जनवरी 2023 की डेट आ गई, इकट्ठे सारे बस यहां तक लिख के फिर रुकेगा, बाकी फिर मैं जरा वो डिस्पोजल की फिगर्स आपके सामने लिख दूं, उसके बेस पे फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 2 साल इस मशीन को यूज करने के बाद सपोज 1 जनवरी 2023 पे आपने अब इसकी डिस्पोजल जब की, तो आप भी इस तरह करें, इस लेजर में बस 2-3 लाइनें रख लें, 3 रख लें, इस जहाँ पे है लेजर बस 3 लाइनें रख लीजिएगा, और लेजर यहाँ खत्म है, इसके नीचे एक सेंटेंस लिखना, यहाँ थोड़ी स्पेस रखते जरा, लेजर अभी कम्प्लीट करना, समझ गए क्या कह रहा हूँ? लेजर अभी कंप्लीट करना, तो 2-3 लाइनें बीच में छोड़ दीजिएगा, बल्कि 4 छोड़, 3-4 छोड़ दें, टोटल्स वगैरह भी हो रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 एक सेंटेंस लिखना,
बस ठीक है, काफी है सर, इंशाल्लाह गुजारा हो जाए। मशीनरी इज डिस्पोज्ड, मशीनरी इज सोल्ड फॉर रुपीज, फोर लाख रुपी था, ऑन 1st January 2023 मशीनरी इज सोल्ड फॉर रुपीज 4,50,000 इन कैश, कैश के बदले ये मशीनरी आपने सेल कर दी। ये पहले तो एक इनिशियली फिगर्स देख के जरा वर्किंग करवा दें, कर लें, बताएं कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। कितने वाली मशीनरी कितने की बेच रहे हैं? 6 लाख तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आई होप कि सबको नजर आ रहा है यार। 8 लाख इस कॉस्ट एंड 2 लाख इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब हमने इस मशीनरी को डिस्पोज किया तो 2 साल यूज करके 2 लाख डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 6 लाख रुपीज वाली मशीनरी 4,50,000 रुपीज पे अगर सेल हुई है तो 1,50,000 का डिफरेंस लॉस बन रहा है। तो पहले तो एक वर्किंग लिखने के लाइन, गेन और लॉस का फार्मूला वैसे क्या है, तो फार्मूला भी रिवाइज कर लें। देखो, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स किसे कहते हैं? जो पैसे आए हैं, तो पैसे आए जो कैश आया, सेल प्रोसीड्स माइनस WDV, सेल प्रोसीड्स आर 4,50,000, WDV इज 6 लाख, सबको पता चल गया जी, 8 लाख माइनस 2 लाख। क्या WDV बनानी पड़ रही है? बनानी पड़ रही है ना, माइनस करके बनानी पड़ रही है। ये कब बनी बनाई होती है और कब बनानी पड़ती है? लेजर के अंदर बनी बनाई अवेलेबल होती है अगर WDV पे लेजर बना हुआ, लेकिन अगर सेपरेट लेजर है तो कोई मसला नहीं, बन सकती है, लेकिन नेट ऑफ करके बनेगी, डिफरेंस है जी। अब सेल प्रोसीड्स क्योंकि कम है, सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिव फिगर आ रही है, तो नेगेटिव फिगर लगाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव 1,50,000 सिर्फ साथ लॉस लिखना पड़ेगा। ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, गेन भी आ सकता था इसमें लॉस भी, लेकिन फाइनली सेल प्रोसीड्स कम होने की वजह से डिस्पोजल पे लॉस आ रहा है। तो सबसे पहले तो यही काइंडली बता दें, कोई इसमें मेरी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस वर्किंग में? ओके सर, देन सर जी, अभी जो हमने सिनेरियो सा क्रिएट किया इसके ऊपर जो थोड़ा सा हमने लिखा था इसके ऊपर ध्यान रख, इस इन लेजर्स के ऊपर जो हेडिंग बनाई थी हमने, एक सेपरेट लेजर्स बने हुए, तो उसके नीचे एक पॉइंट वन सॉर्ट ऑफ मैंने लिखा था। इस अगर पहले हम अज्यूम करेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो आप आ जाए नीचे। तो अगर डिस्पोजल अकाउंट बना के ये गेन लॉस कैलकुलेट करना है तो जो बातें हो चुकी हैं वो काइंडली आपने बतानी है पिछले सिनेरियो में, और अगर कोई नई चीज है तो मैं इंशाल्लाह अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो कोई है याद के क्या एंट्री होती है, कौन सी एंट्री होती है? हाँ जी, पहली एंट्री जरा देख लें, देख के रिवाइज भी कर लें, ये ऐसा ऐसा याद कर लें। पहली एंट्री क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो? कितने से? 4,50,000 सेल प्रोसीड्स। पहली एंट्री लिखें जी आप, कैश डेबिट, बोल के लिखें प्लीज एंट्रीज, एक दफा रिपीट कर ले, बोल दे बोल दे बोल दे, दो तीन दफा बोल दे, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब डेफिनेटली बेटा कैश भी अकाउंट है, लेजर है, डिस्पोजल अकाउंट भी लेजर है, तो कैश अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट। तब हमने जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए ना सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को भी देखना, तो फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे एसेट अकाउंट WDV पे हो या चाहे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो, कैश की एंट्री एज इट इज रिकॉर्ड हुई है एट सेल प्रोसीड्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री बताएं जो पहले लिखी थी, लिखे एंट्री अब डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। नहीं नहीं वो फिगर्स मेरे साथ, पहले सिर्फ एंट्री लिखो, एंट्री वही है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी जा रही है,
मशीनरी क्रेडिट और इसका सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि कंपैरिजन हो जाए। अब वहां ये एंट्री, पिछला पेज देखें जहां भी था, वहां ये एंट्री हुई थी 1,50,000 से। 1,50,000 मीन्स WDV से। यहां भी असूलन एंट्री होनी चाहिए WDV से ही। डिस्पोजल अकाउंट से बनाए, डिस्पोजल अकाउंट में अगर गेन लॉस कैलकुलेट होना है तो कैश ने WDV से ही कंपेयर होना, क्या ख्याल है? या कैश ने कॉस्ट से कंपेयर होना? कैश ने WDV से ही कंपेयर होना, इररिस्पेक्टिव कि लेजर्स कैसे बन रहे हैं। हम इस सिनेरियो में जरा बोर्ड पर देखें, 4,50,000 का जो एसेट बेचा है, हम इसे 8 लाख से कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो चाहे लेजर्स अलहदा बन रहे हो, क्योंकि एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन के ना, या ना बन रहे हो, कॉमन क्या है? गेन लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड WDV, ठीक है? लेकिन अब आपने जरा यहाँ रुकना है और गौर से मेरी बातें सुननी है, पहले अंडरस्टैंड करनी है, उसके बाद फिर लिखने की तरफ जाना। आपने एंट्री वही है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेटा जरा अपने रजिस्टर में थोड़ा सा देख लें, जरा मेरे को ऊपर चला गया था या अगर नजर आ रहा था, WDV ढूंढ के बताएं कितनी। अभी एंट्री WDV से ही होनी चाहिए, तो WDV मीन 6 लाख। ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए, मत लिखिएगा इसका। अगर मैं 6 लाख से लिखूं तो मैंने वही किया एग्जैक्टली जो उस सिनेरियो में किया था जब सेपरेट लेजर्स नहीं बन रहे थे। लेकिन अब इस केस में अगर मैं WDV से एंट्री करूंगा तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगी? अब जरा बोर्ड पे देख के पहले आपने समझना। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री जरा जहन में रखें, इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। डिस्पोजल अकाउंट में नजर बाद में आता हूँ, मशीनरी अकाउंट जहन में लाए जरा। नहीं, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, आप कुछ ना कर लिखिएगा, पहले समझेंगे बात। मशीनरी अकाउंट में 6 लाख फिर जाएगा सर? 6 लाख जाएगा सर। अगर मैं 6 लाख से एंट्री करूंगा तो 6 लाख की फिगर ही डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी ना? किस तरफ जाएगी यार, ये तो बता दो। क्या एंट्री हुई भी है सर जी? क्या एंट्री हुई है? डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। मशीनरी के लेजर में किस तरफ जाऊंगा, कितना लिखूंगा, क्या रेफरेंस लिखूंगा? तो मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पर, डिस्पोजल अकाउंट की कहीं से फिगर आ रही है। अगर मैंने ये एंट्री 6 लाख से की तो 6 लाख डिस्पोजल, डेट भी आ सकती है, उसको एक सेकंड रहने दें, डेफिनेटली अभी पोस्टिंग करेंगे तो कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लैक? 6 लाख, ये 6 लाख की फिगर का नाम क्या है? ये WDV, तो जो हमने पहले किया वही अब किया, मैंने पोस्टिंग कर दी। मसला क्या हुआ? जरा मशीनरी का लेजर देखेंगे। मशीनरी के लेजर में डेबिट साइड पे 8 लाख ब्रॉट डाउन बैलेंस आ रहा है, नेट करेंगे उधर जाके 2 लाख से तो 6 लाख तो बनता है, लेकिन लेजर में इस वक्त 6 लाख नहीं है, लेजर में इस वक्त कॉस्ट आ रही है। तो अगर मैं इस लेजर में, जिस लेजर में कॉस्ट आ रही है, WDV से एंट्री करूंगा तो ये लेजर में से एसेट पूरा खत्म नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि 8 लाख में से 6 लाख वाली मशीन बेची है और 2 लाख वाली बची हुई है? नहीं, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, लेकिन हकीकत क्या है कि हम ये मशीन ही बेच चुके हैं। तो ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा लेजर, मतलब ये फिगर्स खत्म क्यों नहीं हो रही? किस केस में इस लेजर में से एसेट ने कंप्लीटली खत्म हो जाना था? अगर हम ये करते, अगर एसेट अकाउंट में ही WDV बनी होती, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर ना होता, तो ये 8 लाख ब्रॉट डाउन की जगह क्या फिगर आ रही होती? 6 लाख आ रही होती और हम 6 लाख से एंट्री कर सकते थे। तो मसला क्या बन रहा है यहाँ? एंट्री होनी तो WDV से चाहिए, होनी WDV से ही चाहिए, लेकिन लेजर में इस वक्त WDV नहीं आ रही। लेजर में क्या आ रहा है और होना क्या चाहिए? लेजर में कॉस्ट आ रही है, होना चाहिए था WDV को। तो कोई मसला नहीं, हम रिजॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम समझ लेंगे। हम इस केस में अगर WDV से एंट्री करेंगे तो ये इस एंट्री के रिजल्ट में हमारे एसेट के लेजर में से फिगर पूरी माइनस नहीं हो सके। इसलिए रिलैक्स रहकर अगली मेरी बातें सुननी है, कोई टेंशन नहीं प्लीज। अगर तो एसेट अकाउंट WDV पे होगा फिर तो हम ये एंट्री WDV पे ही कर देंगे, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा तो फिर ये एंट्री WDV की बजाय कॉस्ट पे करनी पड़ा करेगी। लेकिन मेरी भी बात खत्म नहीं हुई, मैंने सिर्फ सेंडर्स क्या बोला है, लेट मी रिपीट।
अगर एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो व्हाट इज द सेकंड एंट्री? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट WDV. लेकिन व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ, व्हाट इज द सेकंड डबल एंट्री? अगर एसेट अकाउंट इज एट कॉस्ट, एंट्री वही है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी क्रेडिट, बट इट इज नाउ एट कॉस्ट. लेकिन डेफिनेटली गेन लॉस इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड कॉस्ट. तो हमें अब कुछ और भी सोचना पड़ेगा. तो आराम आराम से भी सोचते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करने शुरू करें. जरा कंडी कैश वाली एंट्री में कोई डिफरेंस है, चाहे एसेट अकाउंट WDV पे हो या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो, कैश वाली एंट्री में कोई इशू नहीं है. किस एंट्री में क्या इशू बना है या कौन सा डिफरेंस आया है? एंट्री सेम है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एंट्री दोनों केसेस में सेम है. लेकिन किस वक्त WDV से है और किस वक्त कॉस्ट पे है? अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो WDV से एंट्री हुई है, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे हुई है. लेकिन अगर इन एंट्रीज को देखा जाए, हम सब साथ हैं यहाँ पे, मेरी भी बात थोड़ी सी रहती है, मेरा ख्याल मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर आपको इंशाल्लाह सारी पिक्चर नजर आ जाएगी. इस वक्त तक डिफरेंस क्या हो गया जरा बोल दें आप, जरा किस पे होनी चाहिए थी और किस पे हुई है? क्यों हुई है कॉस्ट पे? क्योंकि कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तभी एसेट के अकाउंट में से फिगर खत्म होगी. इन फिगर्स की बेस पे अगर आपके सामने आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, ये सारा खेल सर ये डेबिट क्रेडिट है, लेजर्स एंट्रीज. तो ये जो दो एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, इनकी जरा पोस्टिंग करवाएं जरा यहां तक. पहली एंट्री पूरी बोले और डिस्पोजल अकाउंट में बताएं किधर लिखूं. ये पोस्टिंग एरर बस नहीं करें कंडी. डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डिस्पोजल का लेजर बना रहा हूं, रेफरेंस बेटा क्या लिखूं? कैश. आप क्लियर है प्लीज? ये भाई इधर ग्लासेस में. दूसरी एंट्री की पोस्टिंग करवाएं, डिस्पोजल अकाउंट में किधर लिखूं? कितना 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 और रेफरेंस मशीनरी. यकीनन कैश के भी लेजर्स होंगे, मशीनरी के लेजर्स भी होंगे, मत टेंशन लें, इंशाल्लाह सब कुछ बनाएंगे. डिस्पोजल अकाउंट में कैश क्रेडिट साइड पे रेफरेंस, और डिस्पोजल अकाउंट में मशीनरी का रेफरेंस डेबिट साइड पे, डिस्पोजल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट एंगल से. ठीक हो गया यहां तक? अब जरा इस लेजर को अगर देखा जाए एज इट इज, तो क्रेडिट साइड पे सेल प्रोसीड्स है और डेबिट साइड पे कॉस्ट. क्या इसे एज इट इज बैलेंस करके अब गेन लॉस निकाला जा सकता है? क्या ये कोई लॉजिकल कंपैरिजन हो रहा है? इस वक्त वैसे भी लॉस बनता है गेन बनता है? हिम्मत करें जरा, बड़े हो, बैलेंस करें जरा, कितना डिफरेंस आ रहा है? ये तो 350,000 बनता है, हालांकि थोड़ी देर पहले हमने कितना कैलकुलेट किया, मान लिया 50,000, तो गेन तो वही है. लेकिन इस वक्त कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है? कॉस्ट का कैश से, तो ये तो कंपैरिजन सही नहीं है. कंपैरिजन होना किसका चाहिए? WDV का कैश से, WDV का सेल प्रोसीड से. तो प्रॉब्लम इस वक्त क्या है कि कॉस्ट और कैश कंपेयर हो रहा है, तो इस कंपैरिजन से सही गेन लॉस नहीं निकल सकेगा. लेकिन कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आखिरी चीज सुन रहा. हमें अब करना ये पड़ेगा कि इस लेजर में इस कॉस्ट को WDV में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. किस केस में हमें इस तीसरे काम की कोई जरूरत नहीं है? अपना पिछला लेजर जरा सामने रखें जो डिस्पोजल का बनाया था. नहीं जरा बार बार देख लें, बार बार वही बातें चाहिए. पिछला जो डिस्पोजल अकाउंट अभी आपने बनाया था, उसमें कैश आ रहा था और डेबिट साइड पे WDV बनी बनाई आ रही थी. तो कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन हो गया, गेन या लॉस है वो कैलकुलेट होता है. उसी लेजर को सामने रखें रजिस्टर में और बोर्ड पे एक नजर देखें यहाँ क्या इशू बन गया है. अगर हम इशू अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह रिजॉल्व भी आप ही कर देंगे. यहाँ कैश तो ठीक है, लेकिन फिलहाल 8 लाख रुपीज कॉस्ट है, इसे अब हमें WDV में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमें उस केस में WDV में कन्वर्ट क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि लेजर ऑलरेडी WDV पे था. लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो आपको पता है कि फिर WDV नेट ऑफ करके बनानी पड़ती है. अब कॉस्ट को WDV में अगर कन्वर्ट करना है, सबको पता है प्लीज, तो किस कॉस्ट में से क्या माइनस होगा तो फिर WDV बनेगी. वर्ड सही करें, डेप्रिसिएशन नहीं. अब इस कॉस्ट में से अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट ऑफ होगी तभी ये WDV बन सकेगी. बात क्लियर है सबको? फाइनल एडजस्टमेंट देखें. अब
कॉस्ट की फिगर आपको किस तरफ नजर आ रही है? डेबिट साइड पे, इस लेजर में डेबिट साइड पे। अब अगर इसको WDV बनाना है तो यकीनन एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मिटा के WDV बना लो, लेकिन वो क्यों नहीं बना सकते बताएं? बताएं, पता है आपको? क्योंकि वो पोस्टिंग ही प्रॉपर नहीं हो सकेगी, तो ये काम तो हम कर नहीं सकेंगे, इसलिए अच्छा किया फंस दिए। लेकिन क्या कोई और तरीका भी है कि इस कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट कर लिया जाए? क्या तरीका है, क्या तरीका है? इसमें से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट ऑफ की जाए, नेट ऑफ की जाए। नेट ऑफ का मतलब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें प्लस की जाए या माइनस की जाए? अब माइनस को जरा काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताएं जरा। कॉस्ट अगर डेबिट साइड पे है और इसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैं इस डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दूं, तो क्या ये फिगर्स आपस में फिर नेट ऑफ हो जाएंगी? अपनी जरा वर्किंग देखें, जहां पे लेजर्स बना रहे थे नेक्स्ट पेज पे, मशीनरी का लेजर देखें 8 लाख वाला, उस 8 लाख के सामने कौन सा लेजर पड़ा हुआ है? तो कितनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? 2 लाख। तो क्या अगर 8 लाख में से वो 2 लाख नेट ऑफ हो जाए तो फिर ये 6 लाख बन जाएगा और फिर इंशाल्लाह सही कंपैरिजन हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूं, बोर्ड पे देखें जरा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किस तरफ लिख के नेट ऑफ करूं? डेबिट साइड पे लिख देते हैं, लिख ही नहीं सकते, नेट ऑफ होना ना इन्होंने। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरफ आ रही है डिस्पोजल अकाउंट में, और एक एंट्री बेटा ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जरा गौर से देखें, कोई एंट्री बन रही है? फुल हिम्मत 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 हिम्मत, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट पहले क्रेडिट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस थर्ड एंट्री? टू कन्वर्ट द कॉस्ट इनटू डब्ल्यूडीबी इनडायरेक्टली। इस काम की जरूरत पिछले लेजर ऑफ डिस्पोजल में क्यों नहीं पड़ी? तो अगर तो एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो दो एंट्री से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा तो फिर हमें एक थर्ड एंट्री कौन सी करनी पड़ रही है? मैं फिगर लिख रहा हूँ, आपने फिगर देख के जरा रेफरेंसेस के एंगल से मुझे डबल एंट्री पूरी बतानी है। बोले क्या डबल एंट्री कर रहा हूँ? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट है और ऑपोजिट रेफरेंस मीन्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट। कितने से एंट्री किया करेंगे? नहीं 2 लाख नहीं, कितने से? जितनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई होगी एसेट के अगेंस्ट, उतनी अमाउंट से ये डबल एंट्री कर लिया करेंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? लेट मी कंक्लूड प्लीज। दोबारा देखें बोर्ड पे लेजर, कैश आ गया क्रेडिट साइड पे, अब डेफिनेट डेबिट साइड पे कॉस्ट लिखी हुई है, लेकिन ये 8 लाख 2 लाख क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है नेट ऑफ होकर 6 लाख हो जाएगा। जरा मुझे अब लेजर बैलेंस करवा दें ताकि जरा फाइनली ये क्लियर हो जाए कि क्या अभी लॉस सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। कैलकुलेट करें जी, किस तरफ लिखो? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 650,000, 4,50,000 प्लस 2 लाख, कैलकुलेटर अलाउड है या अदरवाइज वर्किंग करें, कुछ ना कुछ करें, और 50,000 प्लस 2 लाख, ठीक है? तो किस तरह पहले बेटा लिखो, हायर साइड इज डेबिट साइड एंड ऑपोजिट साइड में भी 8 लाख, आप डिफरेंस बताएं कितना है? 150 साइड पे आ रहा है, प्लीज कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है प्लीज यार। ओह यस यार, कौन सी साइड ज्यादा थी यार? That is a debit balance which reflects gain on gain on the loss. ये definitely एक CD balance के तौर पे है, लेकिन ये loss है और ये loss फिर profit and loss में चला जाएगा। Let me finish. तो बात समझ आई यहाँ तक? अब मैंने दो entries लिखी थी, एक तीसरी भी जरा मुझे लिखवा दे। अगर second entry cost पे है, अगर second entry cost पे है, cost पे? कब हुआ करेगी cost पे? भले 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 सर जी, जब सेपरेट लेजर पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना होगा तो सेकंड एंट्री कॉस्ट पे हुआ करेगी और फिर देर पर हमें एक थर्ड एंट्री कौन सी करनी होगी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इन दिस केस कितने रुपए से? 2 लाख रुपीज से। वट इज द ओनली पर्पज ऑफ दिस लास्ट एंट्री? बताना है बताना है बताना है। To convert the cost of asset into WDV in the ledger of disposal account. है ना सर? करें जी नोट। कहाँ से लिख रहे थे आप? एंट्रीज रहती थी ना? लिखें जी, लिख। अरे ये 3 एंट्रीज लिखें फिर बाद में डिस्पोजल अकाउंट को पापा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस डिस्कशन में? अभी क्लास में ही फील किया करें, जहाँ भी हैं इन्वॉल्व रहा करें। आपकी भी आवाज़ें आनी चाहिए, कोई यस नो की। अब बेफिक्र हैं, आप बोलेंगे तो आवाज इंशाल्लाह मुझे आएगी। ओके बरल।
जी क्रेडिट तब होती है जब वो इंक्रीज हो रही हो। तो अब बेटा ऐसे खत्म हो रहा है, मैं बताता हूँ। अब तो ये ट्रांसफर करने के लिए हमारी इस वर्किंग के बाद अब एसेट अकाउंट में भी बैलेंस खत्म हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अब खत्म होनी है। जब एसेट ही नहीं रहा तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी अब जीरो होना है। तो ये जीरो करने के लिए डेबिट हुई है। हाँ जी, सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर की है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज नहीं हुई है, अब ये खत्म होके डिस्पोजल अकाउंट में नेट ऑफ हुई है। एक मिनट, वो डिस्पोजल अकाउंट बना ले, फिर पिछले वो जो दो लेजर्स की जगह थोड़ी भी पूरा करते हैं। वो इसीलिए जगह थोड़ी भी है, चार लाइनें गिन के छोड़ूंगा अभी करते हैं। ये ऊपर वाली दो एंट्रीज हो गई, कर लें डिस्पोजल अकाउंट भी कंप्लीट कर। स्टूडेंट्स आप भी बेटा नोट करके बताइए। जिन हजरात की इंट्रो एग्जाम थी और आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो मैंने आप लोगों से बोल रहा फहद ने किए शेयर अपलोड कर दी तो ये बच्चों को मैसेज करवा। जिन हजरात को बेटा एग्जाम्पशन है और आपको महसूस हो रहा है कि ये लेजर्स डबल एंट्रीज का आपको सही आइडिया नहीं है, तो मेरा ख्याल आप लोगों को कुछ आपके साथ मैंने लेक्चर शेयर किए हैं बेसिक्स वाले, तो आप लोगों को लेने चाहिए वो और सीरियसली लेने चाहिए। कम से कम उसमें से डेप्रिसिएशन, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको अकाउंटिंग एग्जाम है कुछ, मेरा ख्याल है डेबिट क्रेडिट तो आता ही होगा, डेबिट क्रेडिट लेजर्स वगैरह का आइडिया होगा। लेकिन बहरहाल उसमें डेप्रिसिएशन के लेक्चर्स मेरी सजेशन है जरूर लें, खास तौर पे अगर इन एंट्रीज को करते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब डेफिनेटली इट इज अज्यूम्ड के मेजोरिटी ने तो सही तरह से अकाउंटिंग कुछ ना कुछ बेसिक्स पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि डबल एंट्रीज उस तरह सही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, तो काइंडली मेरी सजेशन है कि अब इन दिनों में जरा थोड़ा सा रिलैक्स, अभी शायद बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं होगा 2-3 हफ्ते, तो इन दिनों में जरा कुछ टाइम निकालें प्लीज, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको रिक्वायर्ड होगी वरना बाद में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। जिनको इंट्रो एग्जाम नहीं थी उनको तो ठीक है ना यार, तो ये जो आईटीआर ने ऐसे एग्जामेशन देनी शुरू कर दी है ना, इसमें एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को मेरा ख्याल वहां तो चले फायदा हो जाता होगा, आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि शायद अदर डिग्रीज वगैरह में उस तरह से अकाउंटिंग पे शायद फोकस पता नहीं किया जाता ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे आइडिया शायद उस डिटेल में शायद नहीं लोग जाते हैं। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे अगर तो प्रॉब्लम महसूस कर रहा है तो आपके पोर्टल पर मेरा ख्याल शेयर हो गया होगा, और जरा सही तरह जो लोग फिजिकल है वो नीचे जरा टी रूम से पूछ लीजिएगा कि कहाँ वो अपलोड होंगी, और जो अदरवाइज इन बच्चों को सही तरह मैसेज कर दीजिए ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी नोट कर दीजिए सर। चलिए सर, ये अब यहाँ तक जो डिस्कशन हुई है इसे जरा कंप्लीट कर लें ताकि हम इसको फिर एक समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं जो बातें हो रही हैं। एक छोटी सी बात बस लगी, वापस ऊपर आए जहाँ आपने बी पॉइंट बी हेडिंग लिखी थी कहीं ढूंढे था, उस बी हेडिंग के नीचे क्या लिखा था पॉइंट 1 में। अब इसमें फाइनली सिर्फ ये रह गया कि इफ डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड ना हो तो क्या एंट्री के अंदर भी गेन लॉस आ जाता है।
पिछला देखें, पिछला देखें, अभी नहीं बोलना सर, अभी तो आज ही बात हुई है। ए सिनेरियो में देखें, ए में, ए सिनेरियो सर जी, ए गेन लॉस निकालने के दो तरीके से अगर डिस्कस हो रहे हैं, एक है एंट्री में डिस्पोजल का वर्ड डाल गए और गेन लॉस बैलेंस करके निकालना, दूसरा तरीका है लेजर बना लें। हमने बी सिनेरियो में, ये जो सेपरेट लेजर वाला सिनेरियो है, इसमें सिर्फ अभी क्या चीज डिस्कस की है कि डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड है। अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना होगा तो यहाँ भी एंट्री के अंदर गेन लॉस आ जाएगा। यहाँ लेकिन एंट्रीज हो कितनी गई हैं, ये तीन हो गई हैं। अगर इन तीन एंट्रीज में से डिस्पोजल वर्ड गायब कर दिया जाए तो अभी आप देखेंगे इस एंट्री के अंदर भी गेन लॉस आ जाता है। ये मेरी बात किसी को समझ आ रही है? दो तरीके हैं गेन लॉस को अकाउंट फॉर करने के, एक ये है डिस्पोजल का वर्ड लगाए बगैर बैलेंस करना, इंशाल्लाह एंट्री के अंदर गेन लॉस आ जाएगा। दूसरा क्या है, डिस्पोजल अकाउंट वर्ड लिख के फिर लेजर में जाके गेन लॉस निकलेगा। तो हमें क्या से पता चलेगा कि क्या करना है, ये हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखेंगे। डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा वो कर लेंगे, और अगर डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर एंट्री के अंदर भी गेन लॉस कैलकुलेट हो सकता है। पहले मैंने किस सिनेरियो में वो बताया था, जब सेपरेट लेजर नहीं बन रहा, तो एक फाइनली यहाँ डिस्कस कर लेंगे, सेपरेट लेजर बन रहा है तब भी वो कैलकुलेट हो जाना। तो जरा पॉइंट नंबर टू इसे कहना चाह रहा हूँ, किस सिनेरियो में टू कह रहा हूँ, बी में डिस्पोजल अकाउंट वाली बात हो गई हुई है, लेकिन अब बी में डिस्पोजल अकाउंट के बगैर बात करने लगा। तो यहां से लिख लें, इफ लेजर्स आर, लेजर इज नॉट रिक्वायर्ड, लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर लेजर्स नहीं बनाना रिक्वायर्ड तो फिर सिंपली बस क्या करें, ना करें ना करें, कंसंट्रेट करें जरा, आपसे करवाना ये मैंने, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कहना क्या चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जरा, मेरी हेडिंग कभी नहीं तो समझ आ रही मैं कि मतलब मीन्स उसे, नहीं, मतलब सेपरेट लेजर वाली सिचुएशन बड़ा चल रही है, ऊपर बी हेडिंग वही है, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है, लेकिन हमें एग्जामिनर ने लेजर्स बनाने को कहा ही नहीं, और गेन डिस्पोजल की एंट्री करनी है विदाउट प्रिपेयरिंग एनी लेजर्स, हमें एंट्री करनी है। तो हम अब सिंपली क्या करेंगे, आपने जो तीन एंट्रीज ऊपर लिखी हुई है वही दोबारा सामने रखेंगे। तीन एंट्रीज समझ आती है, तीन बोल रहा हूँ, कौन कौन सी, एक किसकी, कैश की, मशीनरी की, और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन की। तो इन्हीं तीनों एंट्रीज में फिलहाल डिस्पोजल अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है। अब आप जरा गौर से देखिएगा, मैं इन एंट्रीज में से डिस्पोजल अकाउंट का बस वर्ड गायब करने लगा हूं। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, बल्कि आप बताएं कैसे लिखूं, 4,50,000, एक मिनट एक मिनट, कोई मसला नहीं, तरतीब वही रखें आप जो है। मशीनरी कितने से क्रेडिट, 8 लाख, मशीनरी कॉस्ट पे कब क्रेडिट होगी और WDV पे कब होगी, बस ये बात अब टिप्स पे होनी चाहिए। अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं है तो WDV पे होगी, और अगर अलहदा है कॉस्ट पे, फिर लेजर बना हुआ है, फिर कॉस्ट पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखें, थर्ड एंट्री में कौन सा आइटम से रेलिवेंट है, और वो डेबिट हो रहा है। अब क्योंकि वो डेबिट हो रहा है, इसकी मैंने उसको डेबिट्स के साथ लिख दिए, कितनी अमाउंट की, 2 लाख। तो मैंने क्या चेंज की है उन तीन एंट्रीज में से, क्या चेंज की है, डिस्पोजल वर्ड गायब की है। आप जरा एंट्री देखें मेरी और बताएं बैलेंस है, ये कर दें जरा बैलेंस, बताएं किधर लिखूं डिफरेंस, नहीं क्रेडिट्स ज्यादा है ना, क्रेडिट्स ज्यादा है, ये असल में एंट्री है, एक है लेजर। देखिए लेजर जब बैलेंस करते हैं ना ऑपोजिट साइड पे लिख के करते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज ना करें, ये एंट्री हुई भी है, क्रेडिट अमाउंट्स में 8 लाख है, इसे साइड ना कहें तो बेहतर है, ये लेजर नहीं एंट्री है, क्रेडिट अमाउंट्स 8 लाख है, डेबिट अमाउंट्स इस वक्त 6,50,000 है, डेबिट अमाउंट्स में लिखूं या क्रेडिट अमाउंट्स में, अब वो जो साइड अब नहीं है, लेजर नहीं बनाया मैंने, मैंने एंट्री की है, तो डेबिट अमाउंट्स में कितने पैसे कम है, सही जगह लिखा मैंने, अब ये डेबिट अमाउंट है डिफरेंस, तो गेन है लॉस है, ये लॉस है, डेबिट अमाउंट है, डन है। तो क्या गेन या लॉस इस एंट्री में भी आ सकता है, कैसे पता चलेगा ये लॉस है या गेन है, डेबिट अमाउंट कह लें, डेबिट साइड रहने थे वो, फिर डेबिट अमाउंट अगर है, डिफरेंस डेबिट अमाउंट है तो लॉस है, और डिफरेंस अगर क्रेडिट अमाउंट्स में है तो फिर गेन, डन है, प्लीज लिख लें। अगर लेजर नहीं रिक्वायर्ड तो इस केस में फिर हम तीन ये हेड्स ढूंढा करेंगे और इंशाल्लाह फिर एंट्री का बैलेंस कर लेंगे।
ये बेटा इस एंट्री को तो मैंने ये इसमें कोई नई चीज नहीं बेटा, इसमें तो अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना तो आप डिस्पोजल अकाउंट का वर्ड हटा देंगे एंट्री करते हुए, एंट्रीज में से कैश के अगेंस्ट जो डिस्पोजल लिखा है वो नहीं लिखेंगे, मशीनरी के अगेंस्ट जो लिखा है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट जो लिखा है, तो एज इट इज वो जो हेड्स हैं कैश डेबिट होना है, एसेट क्रेडिट होना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना है ताकि नेट इफेक्ट WDV बन जाए, बस वो हेड्स लिखें और इसको बैलेंस कर लें। ये ठीक है सुभान साहब? तो ये तो एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था, ये एंट्रीज तीन जो पहले लिखी है उसको सामने रख लें, उन्हीं से मैंने हेड्स उठाए हैं, और अगर डेबिट हुए हैं तो डेबिट उठाए हैं और क्रेडिट हेड्स हैं तो क्रेडिट उठाए। व्हाट इज ओनली डिफरेंस जी इसमें और उसमें, तो पहले की है सिर्फ डिस्पोजल वर्ड गायब हुए हैं, डिस्पोजल का अकाउंट का रेफरेंस अगर लिख लेंगे तो फिर एंट्रीज के अंदर गेन लॉस नहीं नजर आएगा, फिर वो लेजर बना के पता चलेगा, और अगर डिस्पोजल अकाउंट का वर्ड नहीं लिखेंगे तो फिर एंट्री के अंदर ही बैलेंस निकल आना, बस ये हो रहा है। तो फाइनली अब बेटा चार एंट्रीज हो गई या चार तरीके सॉर्ट ऑफ हो गए, चार मैंने इसलिए कहा है कि जरा ए सिनेरियो में जाए, जरा नो सेपरेट लेजर में दो दो तरह एंट्रीज हुई हैं और फिर सेपरेट लेजर में भी दो तरह हुई हैं। तो अब हम इस तरह करते हैं, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन एक समरी सी लिख लेते हैं, हाफ सा पेज शायद बन जाएगा, इसमें ये सारी एंट्रीज जरा इकट्ठी हो जाएंगी, तो जहां भी आप हैं जरा हाफ पेज चाहिए, अगर हाफ है बचा हुआ तो ठीक है, आइडियली जरा साफ सुथरी जगह जहाँ इकट्ठी हो जाए फिगर्स। हेडिंग लिखें जी समरी ऑफ, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। ये हेडिंग लिख के जरा सेंटर में पेज लाइन लगा लो, लेफ्ट साइड पे लिख लें इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ऑपोजिट साइड पे लिख लें इफ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें फिर आप दो सिनेरियोस बना लेते हैं, बस यहां तक लिख के रुक गए, फिर जरा मैं स्टार्ट ले लूंगा। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सबको पता चले ये मैंने क्या कहा है, यस सर, अगर डिस्पोजल के एंट्रीज कर रहे हैं और लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आप बता देंगे लेफ्ट साइड पे क्या एंट्री होगी और राइट साइड पे क्या होगा। हिम्मत करें हिम्मत करें, अब कोई नई चीज नहीं होने लगी, वही बातें अब हम इकट्ठी करने लगे, ट्राई करें ट्राई करें। अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे और नो सेपरेट लेजर है तो सिर्फ कौन से दो हेड्स आएंगे, कैश आएगा, मशीनरी। बेटा मैं लिखने के बजाय एसेट लिख रहा हूँ, एसेट का मतलब अगर मशीनरी है तो मशीनरी आ जाएगी, बिल्डिंग है बिल्डिंग आ जाएगी, फर्नीचर है फर्नीचर आ जाएगा, जो भी एसेट है वो आ जाएगा। ठहरे ठहरे ठहरे, कैश आ जाएगा और एसेट आ जाएगा, कैश एसेट किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, WDV से, और इन दो हेड्स को लिख के डिफरेंस विल बी गेन और लॉस, और डेफिनेटली बेटा गेन है या लॉस है उसमें प्रॉफिट लॉस में जाना, गेन और लॉस। अब मैं फिगर्स अज्यूम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक फाइनली समरी बना रहा हूँ, कब होगा गेन, अगर कैश ज्यादा होगा या क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस कब आएगा, जब कैश ज्यादा होगा, इस एंट्री में अगर कैश डेबिट ज्यादा हो रहा होगा तभी क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा, और अगर कैश कम डेबिट हो रहा होगा तो फिर डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो नीचे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, डिफरेंस विल बी गेन और लॉस, कब विल बी गेन कब विल बी लॉस, कैश इज मोर गेन कैश इज लेस लॉस, समझेंगे क्या किया मैंने।
मतलब हमें दो हेड बस जेन में रखने, कैश का और एसेट का, और एसेट का किस पे? डब्ल्यूडीबी। राइट साइड करवा दें फिर लिखिएगा। राइट साइड पे क्या होगा? कैश डेबिट होगा। हाँ जी, यहाँ एक नया हेड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा, ठीक है। एसेट लेकिन इस केस में कॉस्ट पे क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कॉस्ट पे क्रेडिट होने की वजह से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड आ गए। तो ये तीन मेन हेड्स आ गए, और वंस अगेन डिफरेंस विल बी आइदर, डिफरेंस विल बी गेन और नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये स्टूडेंट्स आप ले रहे हैं, ये जो पहले फिगर्स आ चुकी हैं, मैंने अब उन्हीं फिगर्स की बेस पे एक जनरलाइज जनरलाइज की एंट्री लिख ली है, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फिर हम इसे अप्लाई कर लिया करेंगे। नहीं कंफ्यूज नहीं पड़ा, ये समान सब नहीं है। चलें जी आगे, सेकंड हेडिंग बनवाएं जी। इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, अगर लेजर्स को बनाने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होंगे तो लेफ्ट साइड पे खुद से जरा लिखेंगे यार क्या एंट्रीज होंगी। ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ जी ठीक है, लिखे खुद से, लिख लें लिख लें। कैश वाली एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, फिर आप डिस्पोजल वर्ड्स लग जाएंगे, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट। दूसरी एंट्री वंस अगेन किस अमाउंट पे होगी? एट डब्ल्यूडीबी। नहीं बेटा ये दूसरी, इन केस लेजर्स आर रिक्वायर्ड एंड नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके सर, सिर्फ क्या हो रहा है, ऊपर वाली एंट्री देखें इसके जो लेफ्ट साइड पर लिखी है, और नीचे क्या हुआ इसमें? डिस्पोजल का हेड बन गया। इसी तरह राइट साइड पर ट्राई करें। राइट साइड मींस सेपरेट लेजर, कितनी एंट्रीज लिखेंगे? लिखें लिखें, आवाज आनी चाहिए, बोलते लिखें, बोलते बोलते सर जी, बोलते बोलते लिखें लिखें, कंप्लीट करें। अपनी अपनी आवाज अपने आप को आनी चाहिए सर, क्लास में से किसी एक की आवाज आपको आने का मतलब ये नहीं कि आप भी पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी आवाजें प्लीज, मैं आपको सुनाए। फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, लेफ्ट राइट अगर कंपेयर करें कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, दूसरी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, एंट्री सेम है लेकिन कोई डिफरेंस है क्या? अभी एंट्री कॉस्ट पे होगी, एट कॉस्ट, और क्योंकि ये सेकेंड एंट्री अब कॉस्ट पे हो रही है इसलिए एक तीसरी एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री का लेफ्ट साइड पे कोई काम क्यों नहीं है? उसमें एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीबी पे है और राइट साइड में एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, जिसको फिर डब्ल्यूडीबी में कन्वर्ट करने के लिए एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट ऑफ करना पड़ रहा। हिम्मत मारे, हिम्मत जवान है, जवानों नौजवान लोगों प्लीज हिम्मत करें, थकना नहीं है।
ये एंट्रीज अगर लिख रहे हैं तो बताइए सर, एनी कंफ्यूजन? ये जो राइट साइड पे आप थर्ड एंट्री है लास्ट, ये किस अमाउंट से होगी? किस वक्त की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? अब इसको भी थोड़ा स्पेसिफाई कर लें जरा, ये जरा पिछले पेजेस पे जाएं, 2 लाख से एंट्री हुई हुई। 2 लाख का मीनिंग क्या है? हाँ जी, ये वो जो टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से लेके डिस्पोजल तक की जो है उस स्पेस पे हुआ करेगी। तो एक सेंटेंस इसके नीचे जरा लिखें, एट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, लिख लें लिख के सोचते हैं बात बन जाएगी। 2 लाख जहन में रखते, एट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल के वक्त जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनी हुआ होगी उस अमाउंट की बेस पे एंट्री होगी। लिखते हुए जरा 2 लाख जहन में रख लीजिएगा। किस अमाउंट से एंट्री होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट से होगी, और वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस वक्त की होगी? डिस्पोजल के वक्त की। समझ आ रहेगा प्लीज? बहरहाल कोई कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, सब ओके सर? जरा थोड़ा सा पीछे आइए, वो जरा 2 लेजर्स में भी फिगर्स जरा ट्रांसफर करके कंप्लीट कर लेना। वो जो सेकंड बी सिनेरियो में जो मशीनरी का लेजर और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर है, क्या उसमें भी आपकी एंट्रीज के इफेक्ट आएंगे? जरा देखेंगे खुद सर। वो मशीनरी का लेजर 8 लाख पे डेबिट हुआ हुआ है, सॉरी बैलेंस आ रहा है, और 2 लाख आ रहा है। नीचे जो एंट्रीज हुई है डिस्पोजल वाली, उसमें से जरा इफेक्ट्स ढूंढ के जरा रेफरेंसेस लिख के जरा लेजर्स फाइनल करें। ये तो नहीं नोट कर रहा कोई? ये नोट कर लिया सबने? चले लेजर बैलेंस करेंगे फाइनल। समझ गए कहाँ क्या ना? किसी का किसी का वो जिधर मैंने 4 लाइनें छुटवाई थी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करें, जो एंट्रीज नीचे की थी उनको जरा देख के, ये भला मशीनरी का लेजर और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में भी पोस्टिंग कंप्लीट करा जरा। अपनी अपनी करें, अपनी अपनी सोच कर। मशीनरी के लेजर में सोचें कोई फिगर आनी है, किस तरफ आनी है, लिखें और सीडीज निकालें, टोटल्स करें। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? कौन से लेजर्स? करें करें करें, कोशिश करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, कितने से करें फाइनल? 8 लाख से। और लास्ट एंट्री एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 2 लाख से। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रखा अगर एसेट डिस्पोज बड़ा हो गया तो उस एसेट के बैलेंसेस हमारी बुक से खत्म हो जाने चाहिए। ये लिख लिया प्लीज 8 लाख, 8 लाख की एंट्री बोले थी जरा। डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होना था, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट है, और मशीनरी अकाउंट में रेफरेंस ऑपोजिट डिस्पोजल है। लास्ट एंट्री बोले कांडी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है, तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आ गई विद द रेफरेंस ऑफ डिस्पोजल, एंड फाइनली बैलेंस दीज लेजर्स एज वेल। दोनों साइड्स का टोटल सेम है, मींस कोई सीडी बैलेंस नहीं है, एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, और उससे रिलेटेड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होके खत्म हो गई है।